उदयपुर का एक दूसरा नाम भी है सिटी ऑफ लेक। तो हम दो दोस्त निकल पड़े थे उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और होता है ना जल्दी और लेट करने वाला दोस्त, तो जल्दी वाला मैं था और लेट वाला वो था। बट कितना लेट, 1 घंटा पूरा लेट। और फाइनल 1 घंटे बाद मुझे उसका टेक्स्ट रिसीव होता है लाइक कम डाउन। तो अब जाते हैं अपन नीचे और एंजॉय करते हैं अपना उदयपुर का वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो अभी हम आ गए हैं 150 किलोमीटर, तो अभी 100 किलोमीटर और बचा है और थक गए हैं, तो 5-10 मिनट पानी वानी पी के फिर से निकलते हैं। फाइनली अभी आ चुके हैं, अभी हमको अवेलेबिलिटी चेक करनी है भाई। अंदर रूम नहीं मिली हम लोगों को, जहां हमारा प्लान था वो अभी से मेस्ड अप हो चुका था। तभी ढूंढते ढूंढते ये गेस्ट हाउस में कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ये गेस्ट हाउस आया है। हाँ, अभी जैसे मिला वो मिला, अभी जाते हैं लेक पिचोला। तो भाई बहुत थक चुके थे हम लोग ढूंढ ढूंढते हुए, तो फिर हमने लंच कर लिया हमारा और फिर हम निकल पड़े सिटी पैलेस के अंदर एक्सप्लोर करने सिटी पैलेस को। सबसे पहले हमारी चेकिंग हुई है उधर अंदर टिकट्स की, जो कि टिकट का प्राइस था 300 रुपीज़, जो कि एज़ कम्पेयर रश था इसलिए हमको मज़ा नहीं आया अंदर। अगर बट ऐसा एक बार देखने जैसा था ये। अब हम और अंदर गए और फिर थोड़ा सा अच्छा लगा हमको बाहर से, तो बट अंदर जाकर सब गया। देख लो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ थी, हम वहाँ पर चलने कोई भी जगह नहीं थी। बट फिर हमने ये व्यू छोड़ के हम निकल पड़े थे लेक पिचोला के लिए। तो आओ एक लेक पिचोला का ड्रोन व्यू देखते हैं। तो फिर अब हम आ चुके थे रोपवे के वहाँ पे, रोपवे की टिकट तो ले ली हम लोगों ने। और बट फिर लाइन बहुत ही ज़्यादा थी, बट पता नहीं हमारा लक बोल सकते हो आप लोग या कुछ भी बोल सकते हो, हम डायरेक्ट ही वो लाइन और पूरा क्यू स्किप करके हम डायरेक्ट ही आगे आ चुके थे। पता नहीं, हमको एक अंकल आके रैंडमली बोले कि तुम कितने जने हो, हमने बोला 2 जने हैं, तो बोले ठीक है आ जाओ, उनको कैबिन सेट करना होगा। सो बट हम आ चुके थे और अब आप एंजॉय कीजिए एक बहुत ही बढ़िया सा। तो मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे रोपवे के कैफ़े में और वहाँ पर पता नहीं लोग फायर बांट ट्राई कर रहे थे, पता नहीं कैसे हमने नहीं किया, हमने हमारा डिनर कर लिया और रोपवे पर ही डिनर कर लिया ऊपर, क्योंकि नीचे जाके मिलना बहुत मुश्किल था और टाइम भी हो चुका था। सो अभी हम खाते और अभी नीचे जाते एक नाइट व्यू के साथ, बहुत ही शानदार नाइट व्यू था ये। और फिर फाइनली जैसे तैसे करके हम हमारे रूम की तरफ आ चुके थे, बट यहाँ पर था नो कार जोन, यानी सिर्फ एक्टिवाज और बाइक्स आएंगे, कोई कार कोई रिक्शा कुछ नहीं आएगा। सो हमको हमारे रूम तक चलकर जाना था एंड बहुत टायर्ड हो चुके थे हम। सो अभी बस रूम पर जाकर सोते हैं और मिलते हैं आपको कल एक नई सुबह के साथ, कल नए पावर के साथ। तो चलिए सो जाते हैं। सुबह आँख खोलना इतना मुश्किल काम था मेरे लिए, क्योंकि बज रहे थे सुबह के 5 और 5 बजे उदयपुर में उठना यानी बहुत मुश्किल। एक बहुत ही प्यारा नजारा मुझे उदयपुर का देखने को मिला।
अब हमारी हिमालयन अटक चुकी है भाई, किसने ऐसी गाड़ी पार कर दी है भाई, इतना छोटा रास्ता और उसने गाड़ी पार कर दी है। तो अभी यार बाइक मांड मांड निकाली है और फिर हम निकल पड़े थे हमारी नेक्स्ट लोकेशन। भाई हम इतने लोकेशन फटआउट कर रहे थे ना, हमारे पास उस दिन पूरा दिन बचा था। तो अभी घूम फिर के आ चुके हैं सहेलियों की बाड़ी, हम थोड़ी ना मैं आ रहा हूँ। तो ये है सहेलियों की बाड़ी, इसका नाम शायद महाराणा प्रताप और हमारा तो इधर है जगदीश मंदिर के इधर है रूम। तो अभी जाते हैं अंदर और देखते हैं। वाह गाइड गाइड कर रहा है, गाइड गाइड कर रहे हैं। कहानी ऐसी थी कि पहले के राजा जो थे महाराणा प्रताप करे, पता नहीं कौन से थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो उनका ऐसा था कि उनकी जो घर की जो लेडीज़ होती है उनको कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए था, तो उन्होंने उनके फ्रेंड्स के लिए और उनकी जो घर की लेडीज़ थी उनके लिए ये पूरा ऐसे गार्डन बना के उनको दिया। ऐसी कुछ कहानी थी इसकी। गार्डन है तो बहुत सही क्योंकि दिखने करने में, बट आगे और अंदर घूमते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो हर जगह फोटो सेशन चल रहे हैं, बट सही है यार ये गार्डन, ऐसे बहुत पीस है इधर, ऐसे बहुत ज़्यादा पीस मिल रहा है इधर, बर्ड की चिरपिंग एंड अच्छा सनराइज भी हमने देख लिया। अभी टाइम रास्ता बाकी है, बट अभी देख रहे हैं आगे क्या सीन है और कर रहे हैं, बट ये अच्छा बना है ऐसे गार्डन। तो यहाँ की कहानी ऐसी है कि पांच फाउंटेन है, तीन तो देखे दो और ढूंढ रहे, शायद सामने ही मेरे एक है, देखा ये सामने एक है और हर एक फाउंटेन से नाम दिया हुआ है, जैसे कि रासलीला हो गया, बिन बादल बरसा था, बिन मौसम बरसा जो भी था। तीन तो ये चौथा है और पांचवा शायद आई गेस हो सकता है अंदर या लेफ्ट है कहीं भी, अभी तो पता नहीं इसकी कहानी। हो भाई साहब ये सही है यार, ऐसे ये आई गेस किसके लोटस के पत्ते होते हैं, नहीं यार पर इससे ही अच्छा बनाया है ऐसे। बहुत भीड़ चाल आ गई है, ठीक है ऐसे उदयपुर बहुत शांत है ऐसे, तो कहीं कहीं रश भी है कहीं कहीं शांत भी है। अभी आगे देखते हैं कौन सा और फाउंटेन आएगा। अभी टिकट ले लिया और पता नहीं क्या है ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, तो वो बाइक लाएगा फिर। हर जगह टिकट है भाई, टिकट हर जगह। कौन सा टिकट लो नॉर्मल ये वाली है अपनी बोट, मस्त एकदम पीछे बैठ के मजा आ जाएगा ना। बैठेंगे भाई तो बहुत घूम लिया यार, अब चलते हैं कहीं खाने। तो खाने के लिए हम आ चुके थे नटराज होटल में और भाई ये इनका होटल का डाइनिंग क्या बताऊँ, क्या स्टाफ था इनका, इतना अमेजिंग स्टाफ था, क्या सर्विस थी इनकी। और हम लोग तो यार खाते ही रह गए, हम लोग समझो कुछ खाना ख़त्म हो रहा है, हम रोटी अगर मंगवा रहे हैं उससे पहले हम रोटी आके रख रहे हैं, यानी इनका इतना फूड ऑसम था और क्या सर्विस थी। 10 आउट ऑफ 10 रिव्यू, अगर उदयपुर जा रहे हो तो आप मस्ट विजिट कर सकते हैं, नटराज होटल है ये।
और फिर हम खाना के लिए निकल चुके थे हम सेलिब्रेशन मॉल, जो कि उदयपुर का बहुत अच्छा मॉल आप बोल सकते हो। तो ये मॉल भी अच्छा था, हमने अंदर विजिट किया, अंदर बहुत अच्छा था, मूवीज़ देख सकते हो, कपड़े में तो कपड़े ले सकते हो, बट हम बहुत टायर्ड थे सो हमने कुछ नहीं लिया। और फिर हम हमारी शाम को एंजॉय करने के लिए आ चुके थे हमारे रूम पर, ये नज़ारा हमारे रूम से हमको देखने को मिल रहा था, और एक उदयपुर की हमारी पूरी मेमोरीज़ का हम बंच लेकर अब हम निकल रहे थे हमारे अहमदाबाद के लिए। तो ये कहानी इतनी अनटच्ड कहानी थी, कितनी बातें करूँ आपसे, कहानी में सीखना, एंजॉय, थ्रिल एक वीडियो में आपसे शेयर नहीं हो पाएगा। तो किसी दिन अच्छी नई वीडियो में आपको मिलता हूँ मैं, तो अभी के लिए तो बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। सो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।